चलिए फिर अगले सेशन में मुलाकात
नॉट योर डिसीजन होगा कब क्लासेस चलेगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कैसे प्राइमरी ओसाइट जो होता है ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस वन इज द प्राइमरी ओसाइट। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट 60 to 80,000 इन ईच ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बचते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था अंडर द FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंट्रोल में हर महीने 200 से 300 प्राइमरी ओसाइट को स्टिमुलेट किया जाता है फॉर किड्स डेवलपमेंट। जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है प्राइमरी ओसाइट को तो इसमें एक ही का डेवलपमेंट आगे हो पाता है, बाकी 99% प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं डीजनरेट कर जाते हैं। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर एक फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बनती है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनती है। फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। इसका फॉर्मेशन ओवरी का, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट ओवरी के अंदर ही हो रहा है तो इसके ऊपर ओवरी एक सेल की लेयर बनाता है फॉलिकुलर सेल से ग्रैनुलोसा सेल होते हैं। ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होती है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है। तो जब एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल है वो प्राइमरी प्राइमरी ओसाइट ही है। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट पाया जाता है। फिर आगे अंडर द FSH के अंडर कंट्रोल में ही इसके ऊपर ये फॉलिकुलर सेल्स की लेयर या ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर जो है वो थिक हो जाती है, मोर देन वन लेयर फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बोलने लगते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट पाया जाता है। ये सेकेंडरी फॉलिकल है पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अंदर पाया क्या जाता है प्राइमरी ओसाइट। फिर FSH के कंट्रोल में, और ये जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप करेगा वैसे डेवलपमेंट के दौरान ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। डेवलपमेंट के दौरान क्या करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब देखिएगा प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, सिंगल सेल की लेयर पाई जाती थी बाहर, सेकेंडरी फॉलिकल में मोर देन वन लेयर था। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, लेयर तो दो से ज्यादा होती है लेकिन प्राइमरी ओसाइट और उस लेयर के बीच में एक गैप बन जाता है जिसको एंट्रम बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहलाता है एंट्रम। फ्लूइड क्या भरा होता है, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन भरा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मल्टी सेल की लेयर हो जाती है, तो मल्टीपल सेल की वजह से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तो इसीलिए हम इसको बोलने लगते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। फिर देखेंगे इसके अंदर अभी भी प्राइमरी ओसाइट है और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोले टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल से फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें देखिएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये सेकेंडरी ओसाइट बनाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉयड होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट अपने ऊपर अपने चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाहर वाली लेयर थी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा ये दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आउटर लेयर कहलाता है थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली लेयर कहलाती है थीका इंटरना। यही थीका इंटरना की कुछ सेल्स जो है इस सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड जाकर के एक सिंगल सेल की लेयर बना लेती है जिसको हम कोरोना रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटर बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटर हो गया, उसके अंदर जोना पेलुसिडा हो गया, नॉन सेलुलर लेयर है और उसके अंदर पाया जा रहा है क्या सेकेंडरी ओसाइट। ये कोरोना रेडिएटर की जो लेयर है इस ये थीका इंटरना से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल की मदद से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओवेरिकस या डिस्कस प्रोलिजरस या क्यूमुलस ओवेरिकस बोलते हैं, इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो इसको कनेक्ट करता है यहां से। फिर देखिएगा जब ये डेवलपमेंट हो जाता है फॉलिकल का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, FSH कर रहा है, साथ ही साथ LH भी रिलीज होता है। और LH जब अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है तो इस फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल को वो रैप्चर कर देता है। तो ये यहां से ऐसे ही मान लीजिए कि यहां से टूट जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल, टूट गया। अब ये क्यूमुलस ओवेरिकस वाला स्ट्रक्चर जो है यहां से इससे डीअटैच हो जाएगा। अब ये इतना स्ट्रक्चर यहां से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा वो आपका निकलेगा क्या क्या, एक तो सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, उसके बाहर है जोना पेलुसिडा
और उसके बाहर है एक सिंगल सेल की लेयर है जिसको हम कोरोना रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोले? कोरोना रेडिएटर। ये इतना स्ट्रक्चर जब यहां से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो अभी ये सारा डेवलपमेंट ओवरी के अंदर हो रहा है। एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं। जब तक फॉलिकल डेवलप कर रहा था तब तक ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा था। साथ ही साथ एलएच और एफएसएच एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे थे। एफएसएच फॉलिकल का डेवलपमेंट करा रहा था और एलएच जो है इसका लेवल जो है वो स्लोली इंक्रीज करता है और मिड डे ऑफ द साइकिल में ये अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे ही अपने पीक लेवल पर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर कर देगा और इसके अंदर से ये जो स्ट्रक्चर था ये इतना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से निकल करके ओवरी से बाहर चला जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। इसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। अब ये इतना जो स्ट्रक्चर बचा है, ये जो खाली पार्ट बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इसके अंदर जो खाली स्पेस होता है ना उसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। ये खाली स्पेस जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। पूछा नहीं जाता है सीबीएमटी के सिलेबस में था, ठीक है। तो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। या फिर एलो बॉडी, साथ में ये दोनों भी याद रखिएगा। एलो पिगमेंट, बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट और एलो स्पॉट मैकुला ल्यूटिया। आई में पोस्टीरियर सरफेस की तरफ पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट इसका फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। तो एलो स्पॉट, एलो पिगमेंट और एलो बॉडी, या इसी को एलो ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलो ग्लैंड इसी को बोलेंगे, टेम्पररी ग्लैंड का काम करता है। हाँ होता है, लेकिन इन जनरली हम इसी को प्रिफर करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको लेकर के थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो जाता है। अभी एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था विच वन ऑफ दीज इज नोन एज अ टेम्पररी ग्लैंड, ठीक है। तो टेम्पररी ग्लैंड में इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन इट बिकम एग्जिस्ट फॉर द वन वीक, लगभग एक हफ्ते से दस दिन तक परसिस्ट करता है, और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो अगले 9 महीने तक परसिस्ट करता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है ओवरी के अंदर। जब पार्टिलेशन हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद भी ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई मेंटेन रहता है, क्योंकि उस समय प्लेसेंटा तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगले 4 से 6 महीने तक फिर से ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई मेंटेन रहता है। तो कुल मिला के 14-15 महीने तक रहता है, उसको टेम्पररी बोल रहे तो परमानेंट। तो ये है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इतना समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। पेज नंबर 48 का लास्ट पैराग्राफ हमको पढ़ना था, ठीक है। इसके पहले हम प्राइमरी फॉलिकल के बारे में पढ़ चुके थे कि नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट, सॉरी नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट ही आगे चलकर के प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं जब ओवरी के द्वारा इसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है। तो ये क्या कहलाने लगता है? प्राइमरी फॉलिकल कहलाने लगता है। तो जितना प्राइमरी ओसाइट का नंबर होगा उतना ही प्राइमरी फॉलिकल का भी नंबर होता है। तो फॉलिकल बोलेंगे तभी ये वाला हार्मोन समझ में आता है, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो देखिएगा द सेकेंडरी फॉलिकल, अब प्राइमरी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता तो सेकेंडरी फॉलिकल में देखिएगा। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज द एंट्रम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है?
थीटा ऐड करना, थीटा ऐड करना, जोना वेलोसिटा कोरोना रेडिएटा क्यूलस ऑफेरिकस, ये सारे चीजें। द थीटा लेयर इज कैरेक्टराइज बाई, सॉरी, द थीटा लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीटा इंटरना एंड आउटर थीटा एक्सटर्ना। अब कह रहा है कि जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा था ये दो लेयर में कैरेक्टराइज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, थीटा एक्सटर्ना थीटा इंटरना। थीटा एक्सटर्ना नॉन सिक्रेटरी होता है, थीटा इंटरना ही सिक्रेटरी नेचर का होता है। यही जब डेवलपमेंट हो रहा था तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और आफ्टर द डेवलपमेंट यानी जब ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है तब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कह रहा है जब टर्शियरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तभी प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है, यानी कि पहला इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है जो कि अनइक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एक सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, एक सेल के साथ साइटोप्लाज्म का पूरा पार्ट जा रहा है और दूसरे में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अभी बाद में क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट। जो बड़े साइज का होगा हैप्लॉयड होगा सेकेंडरी ओसाइट एंड अ टिनी फर्स्ट पोलर द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट। तो कह रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट के पास ही सारा न्यूट्रिएंट यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी में कुछ नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस जेनेटिक कंटेंट है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? इसका कोई फायदा बताइए। अगर इक्वल डिवीजन हो जाता तो दो गैमेट प्रोड्यूस होते और दोनों के दोनों फर्टिलाइज होते, क्योंकि इस बार तो मिलियन की संख्या पहुंचते हैं ना, तो दो फर्टिलाइज होते तो हमें सर्टेन से ही होती पॉपुलेशन अपनी कहां पहुंची होती। डर द फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर सॉरी फर्स्ट पोलर बॉडी वर्क आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड्स फर्दर और डिजनरेट। पूछ रहे हैं कि ये बर्न आउट हो जाता है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है या फर्दर डिवाइड करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है डिजनरेट कर जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी द्वारा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं। दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया गया हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, तो कितने बने, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, कंप्लीट ओजेनेसिस। इन जनरली फर्स्ट पोलर बॉडी यहां पे बना, अब सेकेंडरी ओसाइट जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो ओटिड में कन्वर्ट होगा, साथ में फिर सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा, फिर ओटिड ओवा में कन्वर्ट हो जाता है, ओवा स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाता है। तो यहां आपको दिक्कत दो ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे तीन पोलर बॉडी आंसर मिलेगा। तो अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप तीन प्रिफर करो, ठीक है, पढ़े रहिए। तो अगर क्वेश्चन बाय चांस आ गया तो आप तीन कर दीजिए। आगे देखेंगे द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू मैच्योर फॉलिकल आर ग्रेफियन फॉलिकल एंड द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेलोसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी ओसाइट अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, इसी ग्रीन वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है जैसे ये लेयर बनती है। आगे
द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट दैट इज ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो अब ये जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा तो इसके अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी ओसाइट विथ जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से बाहर आ जाता है, ये हिस्सा ओवरी के अंदर ही रह जाता है। तो ओवरी के अंदर ये पड़ा रहता है तो ये फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा है, आफ्टर द रप्चर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, है तो ओवरी के अंदर ही ना, तो इसलिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से रिलीज हो रहा है, ये इतना हिस्सा जो है ये रिलीज हो जाता है। तो फिर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाए ना, हाइलुरोनिडेज एक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो उस हाइलुरोनिक एसिड को हम एनिमल सीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल सीमेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो सेल्स है ना इनको आपस में जोड़ करके रहता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो जब इस पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है ना तो ये इसको डाइजेस्ट कर देता है, अब यहाँ की जो सेल्स है ना वो बिखर गई, इधर उधर चली गई। फिर एक दूसरा एंजाइम रिलीज करता है जोना लाइसिन, क्या जोना लाइसिन, तो इसका लेयर का नाम है क्या जोना पेलुसिडा, क्या नाम है जोना पेलुसिडा, ये इसको डाइजेस्ट कर देगा। अब ये डाइजेस्ट हो गया यानी स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ तक पहुंच गया, सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, अब डिफाइन कर लीजिएगा कितने ज्यादा डिफरेंसेस है। वहाँ एक स्पर्म मदर सेल से चार स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ एक मदर सेल से एक ही का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दो रेस्टिंग फेज आते हैं, वहाँ कोई रेस्टिंग फेज नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे पोलर बॉडी यहाँ इक्वल डिवीजन होता है, वहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, तो ये सारी चीजें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है नीचे, तो ये पढ़ ही चुके हैं, नेक्स्ट देखिएगा। लेकिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाती है।
मिट्टी के लेवल पर होते हैं चदर में, चाहे आप किसी भी लाइन को ऊपर या नीचे कर दीजिए, दोनों का मेन है आपका पीक यहाँ एल एच और एफ एस एच का पीक। एफ एस एच जो होता है ना थोड़ा सा इससे पहले हाई होता है, इससे पहले थोड़ा सा हाई होता है, और एल एच जो होता है मिड डे आता है मामले में स्लो साइकिल में एकदम अपने पीक लेवल पर होता है, बाकी दोनों का लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है, एल एच का भी और एफ एस एच का। बस एलएच जब भी अपने क्रिटिकल लेवल पर पीक लेवल पर पहुंच जाएगा तुरंत ओवुलेशन पहुंच जाएगा। इस्ट्रोजन का दो पीक मिलेगा, एक इस्ट्रोजन जब प्रोजेस्टेरोन घटने लगता है तब तो इस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। कॉर्पस लुटियम जो है जैसे ये ओवुलेशन के बाद का प्रोसेस है तो इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करता है और इस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करता है कंपैरेटिवली, फिर प्रोजेस्टेरोन अपने पीक लेवल पर होता है और इस्ट्रोजन उससे डाउन होता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन करता है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक्चुअली घटने लगता है ना तो इस्ट्रोजन की मात्रा तो उतनी ही रहती है, लेकिन अगर दूसरा उसके कंपैरेटिवली जब डाउन हो जाता है तो इसका लेवल बढ़ा हुआ लगता है। देखिएगा नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि आपको बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है दो तरह की होती है, प्राइमेटा में और नॉन प्राइमेटा में। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है मैमिलियन फीमेल्स में पाई जाती है, एक आपका कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा कहलाता है ईस्ट्रस साइकिल या हीट साइकिल कहलाता है। तो हीट साइकिल नॉन प्राइमेटा में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया था जैसे कैटल्स वगैरह उनमें पाया जाता है। प्राइमेटा में आते हैं मैन एप और मंकी, मैन एप और मंकी इनमें फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल का ड्यूरेशन है वो ऑर्गन टू ऑर्गन यानी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। ह्यूमन फीमेल में ये 28 टू 29 डेज का होता है, चार फेजेस में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, दैट
मे बी आर 3, 4 or 5 डेज, ये भी वेरिएबल होता है, मतलब 7 to 8 डेज तक भी जा सकता है या 3 डेज में भी ऑफ हो सकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है बंद हो सकती है। तो मैक्सिमम हम 3 to 5 डेज ले लेते हैं जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है। तो ये 3 to 5 डेज जो होता है ब्लीडिंग फेज होता है, इस दौरान जो LH का लेवल है वो डाउन रहता है और FSH जो है वो डिक्रीजिंग ही रहता है। फिर ब्लीडिंग फेज के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल जो है स्लाइटली अबव होगा और कंपैरेटिवली तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन हो जाता है, तभी ब्लीडिंग होती है। आफ्टर द ब्लीडिंग फेज अगर हम बात करें तो कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवल्यूटरी, ओवल्यूशन से पहले का है तो इसलिए प्री ओवल्यूटरी फेज कहलाता है। ड्यूरेशन इसका 9 to 11 डेज होता है। जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग फेज होता है क्या है, फीमेल में FSH का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जब FSH का लेवल इंक्रीज करेगा तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट के लिए, इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इस दौरान क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्राइन वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, यानी प्रोलिफरेट करने लगती है, डिवाइड करने लगती है, नई नई सेल्स या ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। वो ऐसे एनवायरमेंट का यूट्रस ऐसे एनवायरमेंट को क्रिएट करता है जिससे वो इम्प्लांटेशन की तैयारी कर सके, कि जो एग रिलीज हो रहा है वो फर्टिलाइज होगा, उसको इस बात का पता होता है कि एग फर्टिलाइज होगा, उससे पहले वो तैयारी करता है। तो उस दौरान FSH जो है रिलीज होता है तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, साथ ही LH का लेवल भी उसी के बराबर में ही पाया। फिर देखेंगे जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी देन टर्शियरी में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। और मिड डे आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आते आते ईस्ट्रोजन जो है वो अपने पीक लेवल पर होता है, LH FSH भी अपने पीक लेवल पर होता है, और जैसे ही LH अपने पीक लेवल को अटेन करता है तो उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवल्यूशन कॉज करता है। तो जैसे ही LH जो होता है, इसीलिए LH को हम ओवल्यूटरी हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवल्यूटरी हार्मोन बोलते हैं, ये ओवल्यूशन कॉज करता है। ये तो फॉलिकल को स्टिमुलेट किया था डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया कर रहा था तो लगातार इसका लेवल क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तुरंत ही रप्चर होते ही वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो जस्ट आफ्टर द 14th डे जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे माना जाता है, तो प्रैक्टिकली डे ऑफ ओवुलेशन बताना जो है वो फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, प्रैक्टिकली बता नहीं सकते। हाँ एस्टिमेटेड होता है कि इस दौरान हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इंटरनल अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओवुलेशन हो जाएगा, मे बी 12वें दिन भी हो सकता है और 14वें या 16वें दिन भी हो सकता है, डजंट मैटर, एक दो दिन आगे पीछे भी हो जाता है। ये ओवुलेटरी फेज होता है 1 डे का, एक ही दिन जिस दिन भी ओवुलेशन हो गया दैट इज द ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा तो कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। फिर बचा हुआ जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई बनाए रखेगा। एग की जो वायबिलिटी होती है वो 24 से 48 घंटे तक, ठीक है, 24 आवर इंजनली लिखा होता है, 24 आवर टू 48 आवर होता है, 24 से 48 घंटे तक इसकी वायबिलिटी होती है। अगर इस दौरान स्पर्म की मेटिंग ओवा से हो गई तो ये फर्टिलाइज करेगा, अदरवाइज डीजनरेट कर जाएगा। तो अगर सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट कर गया, स्पर्म की मेटिंग नहीं हुई उससे, तो वो सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाएगा और अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर लेगा। तो धीरे धीरे जब डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, डाउन होने लगेगा, तो कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, पहले से ज्यादा होने लगेगा। दैट लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन क्रिएट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो जो उसके अंदर की एंडोमेट्रियम जो अभी नई नई बनी थी लेयर वो डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो वो डेड टिश्यू, ब्लड वेसल, अनफर्टिलाइज सेकेंडरी ओसाइट, ये सारा कुछ जो है यूट्रस के अंदर इकट्ठा हो जाता है एट द मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन अपने एकदम मिनिमम लेवल पर आ जाता है तो फिर से नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट मींस नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उस दौरान फिर से ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा होता है। अगर एग फर्टिलाइज कर गया तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है मेंटेन रहेगा
टिल नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीनों तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई मेंटेन किया जाएगा। 3 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है, तो प्लेसेंटा जो है यूट्राइन टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है और प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू, तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है और इससे कई गुना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब वो प्रोजेस्टेरोन इस प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी होता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी बना हुआ रहता है ओवरी के अंदर, ऐसे ही डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। जब 9 मंथ के बाद फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तो ये प्लेसेंटा डीअटैच हो जाता है, प्लेसेंटा यूट्राइन टिश्यू से डीअटैच हो जाता है। तो अब प्लेसेंटा जब डिस्ट्रॉय कर जाता है तो उसके बाद भी उस फीमेल में लगभग अगले 4 से 6 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई बना रहता है। उसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ पीआरएल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, लिखा हुआ मिलता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन तब तो करेगा जब रहेगा तब, यानी कि वो उसी के अंदर पड़ा रहता है। तो इसी टेक्निक को हम पढ़ते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि जब तक मदर मिल्क फीडिंग कराती है तब तक ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पीआरएल उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन नहीं होता है, तो उसमें ब्लीडिंग फेज यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं है। तो इतना ही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या बताया गया क्लासेस के बारे में।